हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैकर ऑन व्हील्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अपने गूगल अकाउंट को कैसे सेफ एंड सिक्योर रखा जाए। सो उसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो कि अपना पासवर्ड जो होना चाहिए वो अपर और लोअर केस में होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर होने चाहिए उसमें, और कुछ ना कुछ स्पेशल करेक्टर उसमें ज़रूर हो, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में यहाँ दिया है। दूसरा, उसमें अपना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर यूज़ करना है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है क्या? इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक जिसमें गूगल आपको मैसेज प्रॉम्प्ट करता है आपके स्मार्टफोन पे यस या नो टैप करने के लिए, और दूसरा होता है उसमें कि वो फ़ोन पे आपके OTP भेजता है। थर्ड स्टेप ये है कि आप अपना ईमेल जब भी लॉगिन करते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि जो मेल आपके पास आया है वो किसी नोन के थ्रू आया है या किसी अननोन के थ्रू आया है, क्योंकि हो सकता है वो मेल फिशी हो। फोर्थ, जब भी आप अपना मेल खोलते हैं तो उसमें अगर किसी भी लिंक के ऊपर आप क्लिक करने जा रहे हैं तो दो बार ज़रूर सोचें उसको ऐसा करने से पहले। फिफ्थ पॉइंट आपके लिए है कि पासवर्ड हमेशा 2 से 3 महीने में फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहें। और ये तीन और हैं जिनको मैं लेटर ऑन थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, बैकअप कोड, ऑथेंटिकेटर ऐप और सिक्योरिटी की। तो हम आगे बढ़ते हैं। सो अब हम डायरेक्टली चलते हैं गूगल पे और देखते हैं कैसे सेटअप करना है। यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी लॉगिन कर रहा हूँ आपको एक दिखाने के लिए कि कैसे सेटअप करना है। और जैसे ही मैंने फिल किया तो यहाँ पे देखिए 2-स्टेप वेरिफिकेशन आ रहा है, तो मेरे फ़ोन पे इसने पॉपअप किया कि यस पे जाके टैप करो, जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ लिखा है। ये मेरे फ़ोन का स्क्रीनशॉट है। मैंने यहाँ पे जैसे ही टैप किया यस पे, तुरंत उसने क्या किया, रीडायरेक्ट करा दिया कि यस मतलब मैं जेन्युइन हूँ जिसने लॉगिन करने की कोशिश किया है। सो नेक्स्ट देखते हैं ये सेटअप कैसे होगा। जैसे ही आपका जीमेल लोड हो जाता है तो जीमेल लोड हो जाने के बाद जो आपका राइट हैंड साइड पे आपका यहाँ पे देखिए जो आइकन आता है वहाँ पे टैप करना है आपको। उसके बाद मैनेज योर गूगल अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये होम पेज खुल जाएगा। होम पेज के जस्ट नीचे फोर्थ ऑप्शन देखिए सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी में हम देखते हैं यहाँ पे जैसे आप पासवर्ड ने कब चेंज किया, 2-स्टेप वेरीफिकेशन, ऐप पासवर्ड या फिर रिकवरी फ़ोन, ईमेल और सिक्योरिटी क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक चीज़ का पक्का ध्यान देना है कि आप रिकवरी फ़ोन, ईमेल और क्वेश्चन जरूर सेटअप करें। ये बाद में आपके ईमेल को रिकवर करने में बहुत हेल्प करता है। और इसके नीचे हम देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट पासवर्ड चेंज कब किया गया था। मेरा ईमेल आईडी जो कहाँ कहाँ पे सेटअप है इसके बारे में आप देख सकते हैं। और ये थर्ड पार्टी कौन सी ऐप है जो मेरे जीमेल को कहीं ना कहीं एक्सेस कर रही है। तो अब हम देखते हैं अपने 2-स्टेप वेरीफिकेशन की तरफ। 2-स्टेप वेरीफिकेशन पर मैंने टैप किया, यहाँ पे दोबारा ये पासवर्ड मांगता है। यहाँ पे आपको ये पासवर्ड डालेंगे जैसे अपना, जैसे कि मैंने डाला, तो ये रीडायरेक्ट कर देगा आपके 2-स्टेप वेरिफिकेशन के पेज पे, जो कि ये है। जैसा कि मेरा नीचे सेटिंग्स आ रही है, मैंने 2-स्टेप वेरिफिकेशन कब सेटअप किया था, 13 सितंबर 2014 को। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो है गूगल प्रॉम्प्ट, दूसरा है वॉइस मैसेज, बाकी आ जाता है ये 2-स्टेप वेरिफिकेशन। 2-स्टेप वेरिफिकेशन में जैसा कि आप देख सकते हैं ये तीन चीज़ें हैं। बैकअप कोड्स में आपको ऑफलाइन कोड्स मिल जाते हैं जिनको आप इन फ्यूचर, मान लीजिए अगर आपका फ़ोन ऑफ है या फिर आपके पास नहीं है तो आप उनको यूज़ करके भी लॉगिन कर सकते हैं। ऑथेंटिकेटर ऐप वो ऐप है जो आपको प्री वेरीफिकेशन कोड्स प्रोवाइड कराता है जब आपका फ़ोन ऑफलाइन हो तो भी, मतलब आपको फ़ोन तो चाहिए उसके लिए भी। सिक्योरिटी के बारे में इतना कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया है। सो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो गूगल इट या फिर खुद जाएं और यूज़ करके देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब।